हेलो स्टूडेंट्स, हमने आगे के वीडियो में यहाँ पे 16 है तो 15 तक सीखा था। अभी ये वीडियो में हम 16 टू 20 सीखेंगे। ओके, बाकी के जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में भिजवाऊंगी। अभी आपको 20 तक अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और ये जो मैंने 20 सीखा है वो एक एक सेंटेंस वीडियो में सुन के अच्छे से लर्न करना है। ओके, नाउ 16, चार अक्षर वाला शब्द चुनो। स्टूडेंट्स, चार अक्षर मतलब फोर लेटर वर्ड, जिसमें 1 2 3 4 अक्षर है, फोर लेटर। फर्स्ट वन ख ट प ट, सेकंड वन रमण, थर्ड वन चर। अभी इसमें कौन सा शब्द चार अक्षर वाला है? खटपट। सो आंसर इज खटपट। नाउ हियर आर 17, झट पट इज इक्वल डैश। ओके, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वर्णों को अलग करो। ओके, जो शब्द दिया है उसमें एक एक वर्णों को अलग करो। ओके, नाउ यहाँ पे झट पट है तो फर्स्ट वन ट प्लस प प्लस ज प्लस ट, इट इज ट्रू, नो। सेकंड वन ज प्लस ट प्लस प प्लस ट, इट इज ट्रू, यस। ज प्लस ट प्लस प प्लस ट। नाउ थर्ड वन प प्लस ट प्लस प प्लस ट। स्टूडेंट्स, ये वर्ड हुआ टप जट और ये शब्द हुआ पट पट, तो वो तो है ही नहीं, यहाँ पे है जट पट, तो सेकंड इज ट्रू। ओके, जट प्लस ट प्लस प प्लस ट। नाउ 18, जगत डैश भर। स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक से जगत को क्या भरने को बोला है? फर्स्ट ऑप्शन बस, नो। सेकंड ऑप्शन घर, नो। थर्ड ऑप्शन जग, यस। जगत जग भर, जो पानी पीने का जग आता है ना, वो। आंसर इज जग। नाउ 19, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, चित्र, जो क्या है? तो यहाँ पे लिखा है चित्र पहचानो शब्द बताओ। चित्र को देख के उसको पहचानो, ऑब्जर्व करो विच पिक्चर इज दिस और उसका आंसर दो। शब्द में जो दिया है वो राइट ऑप्शन चूज करो। फर्स्ट वन माला, सेकंड वन भाला, थर्ड वन ताला। तो ये ऑप्शन है नेकलेस मीन्स माला। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन माला। नाउ 20, ओके, ग द नर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड दिया है। ओके, इस शब्द को सही क्रम में लिखो। ये शब्द दिया है वो उलट पुलट है, हमें उसको उसके क्रम में लगाकर नया शब्द जो बनता है वो बनाना। फर्स्ट वन बरतन, नो, यहाँ पे तो ब है ही नहीं। गरदन, यस। थर्ड वन सरपट, यहाँ पे स है ही नहीं, तो हम कैसे उलट पुलट करके नया शब्द बनाएंगे? तो आंसर इज गरदन। ओके, नाउ आंसर इज गरदन। स्टूडेंट, बाकी के जो एमसीक्यूज है सारे मैंने चैप्टर मिक्स करके बनाए हैं, तो वो नेक्स्ट पीरियड में भेजूंगी। ओके, तब तक ये सारा आपको नोट डाउन भी करना है हिंदी की नोटबुक में FA1 रिवीजन करके, और ये जो मैंने लिखा है वो आपको लर्न भी करना है अच्छे से। ओके, जय स्वामी।